चमकीला और तेज लाल रंग या शांत और ताजा नीला, आपको कौन सा रंग बेहतर लगता है? इस प्रश्न का उत्तर हम इस चुनौती में ढूंढते हैं। आइए देखें। मैं कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती और लाल न्यूट्रेला मेरे लिए एकदम सही रहेगा। अरे वाह, यह तो अपने ओरिजिनल वाले से भी ज्यादा अच्छा है। मुझे यकीन है कि मेरा नीला संस्करण भी उतना ही अच्छा होगा। स्वादिष्ट। अपनी उंगली से खाने में तो बहुत समय लग जाएगा, पर हर कार्य के लिए सही उपकरण होता है। मैं इसमें पूरा ऊपर तक यह मीठा चीज भर दूंगी और फिर इसे सीधे अपने मुंह में डाल लूंगी। अच्छा आइडिया है। ठीक है, अब मेरी बारी है खाने की। हाँ, बस मेरी सिरिंज खोजने की जरूरत है। कोई कंजूसी मत करना, तैयार हो जाओ। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था एमा, तुमने तो मेरे मुंह में कुछ भी नहीं डाला। माफ करना, मुझे एक मौका और दो। और यह रहा। मुझे समझ में आ रहा है। सारा, कैसा रहेगा अगर तुम पहले देखो? नहीं तुम, मैं कह रही हूँ। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो नीला चिप्स बुरा नहीं है। ओके। ओह वाह, मुझे भी चिप्स चाहिए। सावधान, यहाँ आग लगी है। मैं अपनी सुरक्षा प्रोटोकॉल को चालू कर रही हूँ। यह क्या हो रहा है? तुम मुझे बांध क्यों रही हो एमा? यह तुम्हारे खुद के सुरक्षा के लिए है। शांति से अपने नाश्ते का आनंद ले सकती हूँ। थोड़ा अलग सा स्वाद है। तुम्हें पता है ना, मैं भी भूखी हूँ। मैं इसे अभी भी खोल सकती हूँ। अरे वाह, यह तीखा है। तुमने क्या किया? लगता है तुम गलत थी, यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। Okay. तो फिर इस मामले में क्या मैं एक बार खा कर देख सकती हूँ? मुझे पता नहीं क्यों, पर लाल रंग मुझे डराता है। आह, यह तीखा है। उप्स, मुझे नहीं लगा था कि ये इतने बुरे होंगे। मुझे आग बुझाने की जरूरत होगी। अब बेहतर है। सारा, देखो हमें कितने सारे गमी कैंडीज मिले हैं। क्या मैं भूत की तरह दिख रही हूँ? नहीं, मुझे तो लगता है तुम ज्यादा वॉलरस की तरह लग रही हो। अच्छा, मुझे दिख रहा है कि तुम जल्दी नहीं डरती। खैर छोड़ो, तैयार हो जाओ, मेरे दिमाग में एक खेल है। ओह सच में? ठीक है, मैं शामिल हूँ। चलो देखते हैं कि हम कितना ऊंचा अपना यह मीठा टावर बना सकते हैं। जो भी इसे गिराएगा वह हार जाएगा। मुझे यकीन है कि हम इसे एक आकाश को छूने वाली इमारत बना सकते हैं। यह बहुत अच्छा है, हम कमाल का काम कर रहे हैं। आशा है कि हमें कैंडी कम न पड़ जाए। तुमने इसे बर्बाद कर दिया। यह मेरी गलती नहीं थी। परेशान मत हो, हम इसे फिर से बना सकते हैं। और मुझे मदद के लिए एक चीज मिली है। पहले हमें अपने सभी निर्माण सामग्री को डंप ट्रंक में फेंकने की जरूरत है। बस यहाँ पर थोड़ा और है। और तुम अपना प्लेट मुझे दो। और फिर क्या? मुंह पूरा खोलो। यही वह जगह है जहाँ पर यह अनलोड होगा। यह कमाल का था एमा। रुको, तीन की गिनती पर। एक, दो, तीन। मेरी प्लेट खाली क्यों है? शायद ये किसी तरह की गलती हो, चिंता मत करो। देखो, मुझे सिर्फ टुकड़ों को छांटने की आवश्यकता है। नीला मेरे लिए और लाल तुम्हारे लिए। और मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास मुझे इसे जल्दी जल्दी करने में मदद करेगा। यह एकदम सही से काम कर रहा है। सारा, यह तुम्हारे लिए। एक पूरा कटोरा भरकर लाल स्किटल्स, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। ये बहुत स्वादिष्ट है।
और इसकी वजह से मुझे बहुत ऊर्जा भी मिल गई है। मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं लाल क्यों हूँ? सारा जागो। हाँ, क्या मैं सो रही थी? हाँ, पर इससे मुझे तुम्हारे लिए लाल रंग का चुनने का समय मिल गया। इसे मेरे सामने से हटाओ। तो क्या सारा काम बर्बाद चला गया? ठीक है, फिर मैं ही इसे खा लेती हूँ। चमकदार नीले अंडे, यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। ओह, यह तो चॉकलेट के बने हुए हैं। एक बार खाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वाह, तुम सही थी। स्वादिष्ट। मैं इन सबको खाना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है सारा। चलो देखते हैं कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। मैं इस चीज को वहां रख दूंगी। मैं दूसरा और तीसरा भी लूंगी। कितना अजीब अंडा है। क्या सच में उसने वो खा लिया? ठीक है, फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मैं अभी भी बहुत भूखी हूँ। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे सामने जो कुछ भी आएगा वो तुम खा लोगी। ये बबल्स कहाँ से आ रहे हैं? छोड़ो, कौन परवाह करता है, मेरे पास अभी भी खाने के लिए बहुत है। ठीक है, एक आखिरी कोशिश। मैं सारा को असली अंडा देती हूँ। आगे एक और। कच्चे अंडे की जर्दी, यह यहाँ कैसे आया? एमा, क्या यह तुमने किया? नहीं, मैं ऐसा कभी क्यों करूंगी। कितने प्यारे छोटे भालू हैं। यह कुकीज लग रहे हैं। मैं खाने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी के लिए इसे अपने सिर पर रख लेती हूँ। रुको, मुझे लगता है हम दोनों को इसके साथ जाने के लिए किसी ड्रिंक की जरूरत है, जैसे कि ताजा दूध। अच्छी सोच है। तो क्या मैं शुरू करूँ? मैं अपना पहले भालू को ग्लास में डिप करने जा रही हूँ। मैं भी। अरे वाह, दूध तो अपना रंग बदल रहा है, बिल्कुल जादू की तरह। मेरा दूध सुंदर लाल रंग का हो गया है। कितना मजेदार है। क्या हम आखिरकार कुकीज खा सकते हैं? यह बहुत नरम है, यह बस तुम्हारे मुंह में घुल ही जाएंगे। मुझे लगता है मेरा थोड़ा कड़ा है, पर फिर भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। अपना दूध थोड़ा ज्यादा पी लो, यह उसे नरम कर देगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी चाल मेरे लिए काम कर रही है, और ईमानदारी से कह रही हूँ, मेरा पेट भी भरा हुआ है। सारा, तुम इतना सब कैसे खा पा रही हो? बहुत आसानी से। अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं तुम्हारा वाला भी खत्म कर दूंगी, अगर तुम बुरा ना मानो तो। अरे, यह कड़े नहीं है, तुम बस ऐसे ही शिकायत कर रही थी। और अब यह अंतिम वाला। स्वादिष्ट। अब इसे प्रदर्शन कहते हैं। यह तो नूडल्स है, ये पक्का स्वादिष्ट होंगे। एमा और ग्लोरिया, चलो अब काट लेते हैं। हुर्रे, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं दोनों हाथों से खाऊंगा। और मैं सिर्फ एक से, यह भी ठीक ही है। और मेरे पास कोई हाथ नहीं होंगे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं दोनों हाथों से खा सकता हूँ, मतलब मैं जल्दी खाने के लिए अब दो जोड़े चॉपस्टिक का इस्तेमाल करूँगा। मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी तेजी से क्यों खा रहे हो? कितना खराब लग रहा है, तुम्हारे नूडल्स गिर जाएंगे। उसे खाने की तौर तरीके बिल्कुल नहीं आते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें बस मुझसे जलन हो रही है कि मैं आराम से खा पाया और तुम हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकती। और वैसे मुझे थोड़े और नूडल्स चाहिए। आशा है एमा को कोई दिक्कत ना हो। रुक जाओ, मेरे नूडल्स को छूना भी मत। तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? मैं तुम्हें चुटकी बजाते हरा दूंगा इस स्टिक लड़ाई में। नहीं, मैं तुमसे कैसे हार गया? क्योंकि मैं तुमसे
बेहतर हूँ। ठीक है, अब रो मत। देखो कि एक प्रोफेशनल नूडल्स कैसे खाती है। ये क्या, मैं तो हमेशा चॉपस्टिक इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नूडल्स उठा नहीं सकते तो इन्हें बस लपेट लेना चाहिए। हो गया। ओ, मेरे नूडल्स गिर गए। उफ, छोड़ो, इन चॉपस्टिक की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा बकेट से खा लूंगी। ये कितना आसान है। ओ, बहुत स्वादिष्ट, मैं आखिरकार नूडल्स के स्वाद का मजा ले सकती हूँ। मुझे भी और नूडल्स चाहिए। उम्मीद है कि एमा देखे ना जब मैं पीछे से उसके नूडल्स चुरा लूंगा। मैं कितना चालाक हूँ, और कौन सोच पाता इतना अच्छा प्लान। एकदम लाजवाब, कितना स्वादिष्ट है। ओ, हाय एमा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब तुम्हारी वजह से मेरा पेट नहीं भरेगा। उफ, ये तुम रखो। चलो ग्लोरिया, सिर्फ तुम बची हो, जल्दी अपने नूडल्स खा लो। तुम्हारे बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे, उम्मीद है कि मेरे नूडल्स भी उतने ही अच्छे होंगे। मम्मी, चलो खाओ 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 खाओ। अरे यार, कितना समय लगा रही है। क्या कहा, मुझे अपने नूडल्स के मजे लेने से मत रोको। हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, तुम बस बहुत समय लगा रही हो। मेरे लिए मत रुको, मैं आराम से खाऊंगी। नहीं, बस अब तुम आराम से नहीं खाओगी। ग्लोरिया, तैयार हो जाओ, अब मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से नूडल्स खिलाऊंगा, और तुम्हें जल्दी जल्दी चबाना ही होगा वरना उल्टी हो जाएगी। नहीं करो, नहीं, मत करो। इतना खाना एक साथ कौन खा सकता है? फिर भी तुम्हें ये मेरे ऊपर नहीं थूकना चाहिए था। उफ। मेरे पास दोनों हाथ है, हुर्रे। मेरे पास एक है, पर तब भी मैं खुश हूँ। किस्मत ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, मुझे फिर हाथों के बिना ही खाना होगा। ये सही नहीं है। सब सही है एमा, चलो तुम शुरू करो। हाँ, न्यूटेला को खाना स्वादिष्ट तो होगा, पर उतना मजेदार नहीं। अच्छा होगा अगर मैं न्यूटेला को अपने सैंडविच के साथ खाऊं, जो मैं घर से लेकर आई हूँ। क्या तुम हर जगह एक सैंडविच लेकर चलती हो? पर क्यों, अगर अचानक भूख लग गई तो? आज माँ ने सैंडविच बनाया है, मतलब ये बहुत टेस्टी होगा। ओ छी, माँ ने इसमें क्या डाल दिया है? उफ। अरे, आंटी चाहती है कि उनकी बेटी पौष्टिक चीजें खाए। सही कहा, पर मुझे प्याज, ब्रोकली, लेटस बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं सब क्यों खाऊं अगर मेरे पास न्यूटेला है? उप्स। जरूर इस घास फूस से तो बेहतर ही स्वाद होगा। देखो ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है, कमाल का चॉकलेट स्प्रेड। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? हाँ, शायद एक न्यूटेला सैंडविच। तुमने ये अपने हाथों पर क्यों लगाया, गंदा लग रहा है। हाँ? ये मेरा सैंडविच है, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। और वैसे भी तुम दोनों चुप रहो, मुझे जल्द से जल्द ये स्वादिष्ट चीज खानी है। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने ऐसे एक सैंडविच नहीं बनाया, इससे सच में स्वाद बेहतर हो जाता है, पर देखने में बहुत खराब है। क्या फर्क पड़ता है, मैंने सिर्फ स्वाद रखता है। अब चलो तुम भी खाओ। बिल्कुल, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे खाने के शिष्टाचार आते हैं, इसलिए मैं न्यूटेला ध्यान से खाऊंगा, एक हाथ से ही। गंदे ना होने के लिए इस तरह से मैं एक नैपकिन लगाऊंगा, और हाथों को भी साफ रखने के लिए मैं एक चम्मच से खाऊंगा, साधारण लोगों की तरह। खाना शुरू करता हूँ। ओके। वाह, कितना बढ़िया है। बेहतर होगा कि मैं पूरा जार जल्दी से खा लूं। ये बहुत अच्छा था, मजा आ गया। तुम तो बड़े तरीके से खाने वाले थे ना, तो अब क्या हो गया, चेहरे पर चॉकलेट लगी हुई है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं इसे पोंछ लेता हूँ। अब साफ हो गया। अब
तो ये और भी बदतर हो गया है। कहाँ गए तुम्हारे शिष्टाचार? बस हंसना बंद करो ग्लोरिया, चुपचाप खाओ। हाँ मैं तो खाना चाहती हूँ, और मैं कोई तौर तरीके की परवाह नहीं करती। मुझे सीधा अपने मुंह से ही खाना होगा, क्योंकि मैं हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। पर जाहिर है कि न्यूटेला स्वादिष्ट है। हाँ दिख रहा है कि तुम्हें ये बहुत पसंद है। हंसो मत, मेरे पास एक आइडिया कि मैं इस न्यूटेला को तेजी से कैसे खा सकती हूँ। इतने सारे बर्फ की तुम्हें किस लिए जरूरत है? क्योंकि इस बर्फ की मदद से मैं अपने पूरे जार को जल्दी से फ्रीज कर सकती हूँ। लेकिन क्यों? अजीब है, जमा हुआ न्यूटेला। ताकि मैं इस जार को तोड़ सकूं। समझ नहीं आ रहा है? देखो मैं अभी दिखाती हूँ। अरे देखा, अब मुझे अपना मुंह जार में घुसाने की जरूरत ही नहीं है, और मुझे अपना चॉकलेट खाने को मिल गया। अगर तुम खा सकती हो तो हम भी। सही कहा। रुको, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपना ट्रीट छूने तक दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं यह पूरा खुद खाऊंगी। कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे और न्यूटेला चाहिए। आराम से बैठकर मुझसे ईर्ष्या करो दोस्तों, तब तक मैं इसका मजा ले रही हूँ। मैं फिर से लकी हूँ, मैं फ्राइज दोनों हाथों से खा सकती हूँ, और मुझे फिर एक हाथ मिला। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तीसरी बार मुझे हाथों के बिना खाना होगा। मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं अपने फ्राइज पहले खाऊंगी, और वैसे भी मैं खाने के लिए तैयार हूँ। मैंने एक नैपकिन लगा लिया है, और मेरे पास केचप भी है। हर कोई जानता है कि फ्रेंच फ्राइज और केचप कमाल की जोड़ी होती है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट। तो मैं इसे आराम से धीरे धीरे खाऊंगी। मम्मी, क्या यार, जल्दी खाओ, हमारे पास समय नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं खा रही हूँ। हाँ पक्का टाइम बहुत लगने लग वाला है। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, जब कुछ स्वादिष्ट खाओ तो लगता है समय बहुत तेजी से बीत जाता है। मैंने अपने फ्राइज खा लिए और सॉस भी। आखिरकार हो गया, लग रहा है बरसों बीत गए। नैपकिन की मुझे जरूरत नहीं है। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? माफ करो, मैं सब पोंछ दूंगी, शांत हो जाओ। सॉरी, गुस्सा हो मत। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे सामने एक पूरा पैकेट फ्राइज है और केचप, जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने आज तक कोई सॉस नहीं खाया है जो मुझे केचप से बेहतर लगा हो। मुझे जल्दी से अब अपने आलू भी इसके साथ मिला लेने चाहिए। वाह कितना स्वादिष्ट और तेज भी। आज से मुझे जस्टिन, दुनिया का सबसे तेज आदमी बुलाओ। तुमने एक फ्राई छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैंने एक पूरा पैक बस कुछ ही सेकंड में खा लिया, तो मैं जरूरी से एक टुकड़े को तुरंत खा ही लूंगा। मेरे पास एक आइडिया है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं इसे अपने मुंह में पकड़ लूंगा। ओ मैंने तो देखा भी नहीं। ठीक है, मुझे मानना ही होगा कि मेरे जैसे माहिर लोग भी कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं। यह फ्राई मेरे चेहरे पर गिर तो गया, पर फिर मैं यह खा सकता हूँ। आखिरकार जस्टिन का हो गया है, और अब मैं अपने फ्राइज खा सकती हूँ। बस मुझे यह सोचना होगा कि मैं अपने फ्राइज केचप में कैसे डिप करूँ। मुझे लगता है सारे केचप को बस टेबल पर गिराकर मैं अपने फ्राइज उसमें डिप करके खा सकती हूँ। छी, कैसे खाओगी, टेबल कितना गंदा होगा। तो क्या हुआ, देखो यह कितना आसान है, खाते वक्त हाथों की कोई जरूरत ही नहीं है। उफ, वो छोड़ो, सोचो तुम्हारे मुंह में कितने कीटाणु जा रहे होंगे। ठीक है, पर ये कितना स्वादिष्ट है।
ओह, एक फ्राई मुझसे दूर भागना चाह रहा है, पर मुझे उसे पकड़ना ही होगा। हाँ? यही हमारा मौका है। एकदम सही कहा। ग्लोरिया, तुम उधर आराम करो। बूबूम के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी चुनौती को मिस ना करें। वीडियो में क्या होगा वो तो एक सीक्रेट है, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस वीडियो जितना ही मजेदार और दिलचस्प होगा।